तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच दोस्ताना पार्ट टू शुरू होने वाला है। मैं दोस्ताना पार्ट टू इसलिए कह रही हूं क्योंकि इससे पहले पार्ट वन था, तो वो खत्म क्यों हुआ? ये 25 साल पुरानी बात है और इन 25 सालों में दोस्ती तो दूर, दोनों के बीच दुश्मनी ऐसी थी, यकीन मानिए मायावती मुलायम सिंह का नाम लेने से भड़क जाती थी और मुलायम सिंह मायावती का नाम लेना तक पसंद नहीं करते थे। रिवाइंड मोड में आपके लिए मास्टर स्ट्रोक की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारी बुआ से सावधान रहना। सपा सरकार के मुखिया ने विकास का बहुत काम किया है, तो फिर उनको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बहुजन समाज पार्टी में टिकट तो पैसे से मिलती। ये आपने जो सुना ये उन दिनों की बात है। कल के संकेत तो 23 मई 2018 को इन तस्वीरों में मिल गए थे। लेकिन राजनीति का ये रास्ता आसान नहीं था। थोड़ा पीछे चलिए और लालू यादव की सलाह और मायावती के फैसले को सुनिए। इस समारोह के माध्यम से मायावती और माननीय मुलायम सिंह से अपील है कि आप जल्दी आप लोग ही महागठबंधन करिए। मैं श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया, तो यदि यही हमला श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता, श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जाना चाहिए। 2 जून 1995 को इसी गेस्ट हाउस में मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी अभद्रता की जिसे वो अरसे तक भूल नहीं पाए। कांची राम ने मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। मायावती विधायकों के साथ लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में थी। अचानक समाजवादी पार्टी समर्थक गेस्ट हाउस में घुस आए, मायावती से अभद्रता की, अपशब्द कहे। खुद को बचाने के लिए मायावती कमरे में बंद हो गई। ये जख्म वो सालों तक नहीं भूल पाई। जब जब दोस्ती की बात आई तो जख्म हरे हो गए। श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया, तो यदि यही हमला श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता, श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जाना चाहिए। मुलायम सिंह तो मायावती का नाम तक लेने से बचते रहे। उसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम नहीं लेता हूँ, उनके बारे में कभी बोला नहीं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश युग में दोनों अब साथ आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त को बीते बहुत दिन नहीं हुए जब अखिलेश और मायावती एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे। बुआ कह रही है कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, ये तो जनता ने पहले ही फैसला कर दिया। उत्तर प्रदेश में सपा के नेतृत्व में सरकार बनी है तो वहाँ हर प्रकार का क्राइम बढ़ा है। पत्थर वाली सरकार वाला सुना है, उनकी भी भाषा बदल गई है और उनकी भाषा में अब कहने लगी है कि अब की सरकार बनी तो हम न मूर्ति लगाएंगे न स्मारक बनाएंगे, विकास करेंगे हम। हम तो पूछना चाहते हैं आपका, लखनऊ का विकास तो हमने देखा है, लखनऊ में जो हाथी लगाए हैं पत्थर के बड़े बड़े, वो 9 साल से हम देख रहे हैं वैसे के वैसे खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सलाह के तौर पर यही कहना है कि यदि आपसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है, तो बेहतर यही होगा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में कि इनको मुख्यमंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपने देखा होगा, पता नहीं कहां से लिखवा के ले आई बहुत सारे कागज। आप तो हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो, कुछ सुन भी रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, और जब वो भाषण पढ़ती है उनकी सभा में पता कर लेना आधे से ज्यादा लोग सो रहे होते हैं। जो भी बातें सपा के बबुआ द्वारा कही जाती हैं तो उनकी अधिकांश बातों से बीजेपी व अन्य सांप्रदायिक ताकतों को ही ज्यादा बल मिलता है, ये सभी जानते हैं। कहते हैं राजनीति में ना तो स्थायी दोस्त होते हैं ना दुश्मन।
मायावती और अखिलेश की नई दोस्ती इसी कहावत को साबित करती है। लेकिन सवाल है कि कल राजनीति बदली तो होगा क्या? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।